अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया अकबर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक अलीपुर चट्ठा से है, जो कि ज़िला गुजरांवाला तहसील वज़ीराबाद हैं। तो नाज़रीन, मैंने इनसे बात करने का मकसद ये था, मैं चाह रही थी कि सर्दियाँ आ रही हैं और सब लोग फ़िश बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि फ़िश की देखभाल कौन करता है और इनकी तैयारी कैसे होती है, ये कैसे पलती हैं, कैसे मार्केट तक पहुंचती हैं, तो फ़िश की परवरिश कैसे होती है, इससे लेके मार्केट में आने तक, हमारी परचेजिंग तक और हमारे टेबल पे मज़े मज़े के खाने तक की बात करेंगे। और मोहम्मद अशरफ साहब से पूछेंगे कि इनका अपना एक फ़िश फार्म है, ये मछलियों की देखभाल कैसे करते हैं। तो इनसे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अशरफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो आपका, जैसे मैंने कहा कि आपका अपना एक फ़िश फार्म है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप फ़िश फार्म का काम कब से कर रहे हैं? 20 साल। 20 साल से कर रहे हैं। तो मछलियों की देखभाल कैसे करते हैं, कैसे काम स्टार्ट किया, छोटे टाइम से लेके थोड़े से, क्योंकि मैं एक बात कहूँ कि इंसान जो है थोड़े से ज़्यादा की तरफ जाता है, तो आपने इस काम की शुरुआत कैसे की, कैसे आगाज़ किया? 7 एकड़ से 20 साल हो गए जी मैंने कम कर दिया, तो अच्छा खासा कारोबार है, अच्छी बचत होती है इस। जगह का आप बता रहे थे, कितनी जगह का इंतखाब किया आपने? 7 एकड़ का किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 एकड़ है मेरे पास। अच्छा मोहम्मद अशरफ साहब, ये बताइएगा कि फ़िश फार्म के लिए कैसी जगह का इंतखाब करना चाहिए और मछलियों की कितनी नस्लें होती हैं? 5 नस्लें होती हैं। जरखेज़ ज़मीन होनी चाहिए, कम से कम 5 एकड़ का प्लाट होना चाहिए, 5 फुट पानी होना चाहिए, कम से कम 5 से 6 फुट पानी होना चाहिए। सही। अच्छा ये बताएगा, सबसे अहम सवाल है कि खुराक के बिना तो कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता, तो मछली तो पानी में रहती है, तो इसकी खुराक क्या है, मछली क्या खाती है, इसकी मछलियों की आप देखभाल कैसे करते हैं, और ये बताएगा कि पानी कब कब तब्दील करते हैं? पानी 2 दफ़ा तब्दील करते हैं, एक शुरू से जब पानी चलाते हैं इसमें, फिर 1 दफ़ा में 6 महीने के बाद ना थोड़ा तब्दील करना चाहिए पानी। पानी तब्दील कर, खुराक इसकी है DAP तो यूरिया, दो DAP तो यूरिया है, खुराक है, राइस पाउडर है वो पाईदा है, चोकर भी पाईदा, राइस पाउडर, चोकर, ग्लूडन, ये खुराक है, कोई टुकड़े भी पा लेंगे ज्यादातर, यानी कि 3-4 खुराक ने इहदियां देखभाल असी करते हैं, रोज़ाना चक्कर मारना चाहिए, इतने जाके फार्म से वेखना चाहिए, रंग सही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर ठीक है, ना सही हो फिर खाद दोबारा पानी पीनी, हफ्ते बाद 5 एकड़ 2 बोरियां पड़ी। तो आपके ख्याल से कौन सी मछली की खुराक ऐसी है जो मछलियों के लिए बहुत ही मुफीद और सेहतमंद है? राइस पाउडर। उससे क्या होता है कि मछलियों को कैसी ताकत मिलती है? ग्रोथ ज़्यादा कर दी है, वो ना विटामिन ज़्यादा, ग्रोथ ज़्यादा कर दी है, मिठास होती है, या शीरा एक होता है वो डाल दें। तो जो मछली बीमार हो जाती है, आपको कैसे पता चलता है कि अब ये बीमारी है, इस पे आ गई है, कि उसको क्या खुराक डालते रहते हैं, कि अगर कोई मछली इतनी मछलियों में बीमार भी हो तो वो खुराक खाने के बाद सेहतयाब हो जाती है? मछली बीमार हो तो असं चेक कर दें, चेक करके तो फिर भेज दें, जो जूं पे ही हो तो सेप्रामेथ्रिन पाने, या जे उन्होंने एलर्जी हो तो फिर टैटला साइक्लिन पाउडर है वो इस्तेमाल कर दें, वो फिर सही हो जाती, वो मेदे वास्ते, मेदे की कोई बीमारी हो तो फिर टैटला साइक्लिन पाउडर आता मेरा खर 3200 या 3800 किलो, वो 1 एकड़ के ना 1 पाव पाँ, यानी कि किलो पाउडर हो 10 एकड़ ठीक है। नाज़रीन, मोहम्मद अशरफ साहब ने हमें बहुत ही मुफीद मालूमात दी है फ़िश फार्म बनाने के हवाले से, लेकिन मेरा मोहम्मद अशरफ साहब अभी भी आपसे एक आखिरी सवाल है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ये बताएं कि पाकिस्तानी मईशत जो कि अभी इतना खसारे में जा रही है, तो गवर्नमेंट को पाकिस्तानी मईशत के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए, या माड़े बंदे जड़े ना बहुत ज़्यादा तो परेशान है,
गवर्नमेंट नूं चाहीदा ज़्यादा ज़्यादा कोई सहूलत देण माड़े बंदियां नूं, ज़्यादा ज़्यादा ना सहूलत माड़े बंदियां नूं देण, कारोबार के मौके होने चाहिए, कोई इस तरह का जरिया बनाउण के माड़े बंदे कोई अच्छी कोई रोटी खा पी लैण। बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई के बारे बार बार कहना के ज़्यादातर ना बहुत परेशान है बंदे माड़े जे महंगाई वास्ते। हुकूमत नूं चाहिए कोई आवाम के बारे सोचा। मोहम्मद अशरफ साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया सारिया, टाइम दिता, बहुत शुक्रिया तुहाडे चैनल का सानू टाइम दिता, असीं भी गल कर सकते हैं तुहाडे नाल, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो आज हमने बात की फ़िश फार्म के हवाले से, तो इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा ब्रीफ कर दिया है। अगर आप भी अपना फ़िश फार्म के हवाले से काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अलीपुर चट्ठा में इनका अपना फ़िश फार्म मौजूद है जो कि ये अभी काम कर रहे हैं अपना। तो नाज़रीन, मैं यही कहूँगी, हमारी गवर्नमेंट को भी यही पैगाम दूँगी और हमारे नाज़रीन को भी यही कहूँगी कि हमारे मुल्क में कारोबार के पॉइंट्स होने चाहिए कि छोटे मरहले से बड़े तक जो काम बढ़ सके। और अगर हमारा मुल्क तरक्की करता है, कारोबार के मौके ज़्यादा होंगे तो हमारे मुल्क में दूसरे ममालिक से लोग भी काम करने के लिए आएंगे, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी नौजवान दूसरे ममालिक में काम के लिए जाते हैं। तो ये एक कारोबार का जो सिलसिला है ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ही अहम कदम है जो कि हम सबको मिलकर करना चाहिए काम। और नाज़रीन, अब सादी अकबर को इजाज़त दीजिए, दोबारा एक नई वीडियो के साथ, नए पैगाम के साथ दोबारा हाजिर होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और हमारा चैनल पाकिस्तान 94 न्यूज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।